कदे तो वो डेरी तो भर के लियाना पैंदा गा पानी, जवाक चार चार दिन नहीं नहांदे, ड्रेसा नहीं धोईयां जांदियां, ऐ भेजदे ने जवाकां नूं, बहुत दिक्कत है सानूं तां। राजस्थान तां पंजाब च बन गया, पानी पिछे तरसी जांदे आ, सरकार साड़ी कोई मदद नहीं कर रही। पर अज अस पहुंचे हाँ अजीत नगर बस्ती दे विच, तुसीं देख सकते हो कि लंबियां लाइनां लगियां ने ते खाली बाल्टियां ने। पुछांगे कि की कारण है, की इन्हां नूं समस्या आ रही है? हुण तां जी की कहना चाहोगे, खाली बाल्टियां इह गली च रखी? पानी नहीं आ रहा है वीरे, महीना हो गया, एक दिन आंदा दस दिन आंदा नहीं हैगा, पानी नहीं आ रहा, इन्नी दिक्कत है, पीन नूं बैठे हां पानी नूं। पर जो ये जी मुश्किल आंदियां ने उदों कोई साथ नहीं दिंदा, ते दूजे पासे आपां गल करके डीसी साहब भी तां संगरूर च ने, उन्हां कोले तुसीं कुछ कहते? असीं करदे हां, उह कहिंदे करांगे जी करांगे जी करांगे, पर हुण तां कुछ भी नहीं। वोटां लैण वाले तां हत्थ जोड़दे ने, सरकार सरकार सिर्फ अपने वास्ते है, आम जनता वास्ते नहीं। नाले धूर तो भर के लिया पानी, शरीर काम नहीं करता, इन्ना किन्ना घटोइए रोज पानी। इस संबंध में किसी से बात हुई आपकी? जैसे एमएलए नरेंद्र कौर पराज हैं, डीसी हैं। हाँ जी हुई है, वो तो कुछ ना बोलते, यही कह रहे थे कोई ना करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे करेंगे, फिर करते ही नहीं। अक्सर आप देखते हैं कि जो इन्हों इलेक्शन टाइम होंगे उदो आते हैं, सारे के घर घर जाते हैं कि तुम असं थोड़ा साथ देवे, पर जो आह मुश्किल का टाइम है, इतने अब थोड़े ना कौन खड़े? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੜਫਦੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਗਰਮੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਚੀ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਣ ਨਾ, ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। नैक्सट पंजाब ते तुहाडा स्वागत है, अज गल करदे आ पंजाब सरकार दे विकास कारजां दी। वैसे तो बहुत बड़े बड़े दावे ते वादे किते जांदे ने कि साडे विकास कारज ने पूर्ण ने, पर अज जिस पहुंचे हाँ अजीत नगर बस्ती दे विच, तुसीं देख सकदे हो कि लंबियां लाइनां लगियां ने ते खाली बाल्टियां ने। पुछांगे कि की कारण है, की इन्हां नूं समस्या आ रही है? जिस तरह इन्हां दे महल्ला निवासियों का दसना है कि इत्थे तकरीबन महीना हो चुका है कि जिहड़ा पानी दे साडे घरां दे विच नहीं आ रहा, भावें इत्थे वाटर सप्लाइयां पै चुकियां ने, टूटियां भी लग चुकियां ने, पर जे पानी दी किल्लत दा उद्दे उत्थे आ, उन्हां नाल गल करांगे, साडे नाल कुछ आम लोक मौजूद ने। की नाम जी? ममता। ममता जी की कहना चाहोगे, खाली बाल्टियां इह गली च रखियां ने? पानी नहीं आ रहा वीरे, महीना हो गया, एक दिन आंदा दस दिन आंदा नहीं हैगा, बच्चे भी हस्ता नहाण उधर भेजते, मेरी भैन किशनपुर रहती है, उधर जाते हैं नहाने वास्ते, कपड़े कुपड़े उधर ही धो रहे हैं। जे आप दूजे पास गल करिए सरकार के विकास कार्य, सरकार के तो वे वे दावे होंगे ने कि उन्होंने आखना है कि असी वाटर सप्लाई भी पाती, सारा कुछ पाता, फिर पानी की किल्लत क्यों इन? पता नहीं वीरे, हुण सानूं इस संबंध तुसीं किसे नूं शिकायत पाई? हाँ जी पाई सी। ਇਹ ਸਾਨਾ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਹਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਮਮਤਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਪਾਣੀ, ਜਵਾਕ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਡਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਧੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਨਾਲੇ ਧੂਰ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟੋਈਏ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ। अगर जे ऐसी तस्वीरें तो कहीं बार हरियाणा या राजस्थान में देखने मिलते, पंजाब में तो ऐसी किल्लत नहीं होती? हुण तो हो रही है, हुण तो हो रही है। इन्हां दा आखना है कि जेडे साडे पानी दे पानी है उसकी इन्नी किल्लत है कि सानू दूरों दूरों ढो के लैके आना पैंदा, जद कि साडा शरीर है जेड़ा नहीं साथ दिंदा, कई बार थकावट भी हुंदी, साडा कुछ होर मौजूद ने। की नाम जी? राममूर्ति। क्या कहना चाहोगे? हम तो कहना चाह रहे गले में पानी आंदा ही नहीं है जम्मे, अज तो नहीं कहना चाह रहे पानी आ जाए बस। इस संबंध में किसी से बात हुई आपकी? जैसे एमएलए नरेंद्र कौर पराज हैं, डीसी हैं। हाँ जी हुई है। हाँ क्या बोले वो? तो कुछ ना बोलते, यही कह रहे थे कोई ना करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे करेंगे, फिर करते ही नहीं। अक्सर आप देखते हैं कि जो इन्हों इलेक्शन टाइम होंगे उदो आते हैं, सारे के घर घर जाते हैं कि तुम असं थोड़ा साथ देवे, पर जो आह मुश्किल का टाइम है, इतने अब थोड़े ना कौन खड़े? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ,
कुछ भी नहीं करते। आज देख लो पूरे महीने तो ऊपर हो गया सानू पानी पिछे तड़फते, कदे किधरों लैके आ रहे किधरों लैके काम कर सारे ही करते ने। ठीक है सवेरे काम से चाहिए शाम आके फिर बाल्टियां भर के लोगों के घर मिन्नता करते भी पानी दे दो पानी दे दो। ठीक है ना राजस्थान तो पंजाब च बन गया पानी पिछे ही तरसी जाने, सरकार साड़ी कोई मदद नहीं कर रही। ये साड़ी सुने तो सही एक बार आवे तो देखे से कि बुरा हाल है, हाँ तो गर्मी स्टार्ट हुई है अगे अगे की हाल होगा। छोटे छोटे बच्चे ने छुट्टियां कराइए तो फिर पढ़ाइए कितों उन्होंने फ्री तो थोड़ी पैसे देने असी। जे आप दूजे पास गल करिए आख्या जाता सरकार वालों तो बड़े बड़े दावे होंगे ने कि साढ़े जी राज किसी को कोई दुखी नहीं आम लोगों की सरकार है सत्त तो चलूगी, पर जो ये मुश्किल आदि ने उदो कोई साथ नहीं दिता। तो दूजे पास आप गल करिए डीसी साहब भी तो संगरूर च ही ने उन्होंने को शिकायत करी असी करते हाँ वह कहने करांगे जी करांगे जी करांगे, पर हुण तो कुछ भी नहीं। वोटा लैण वाले तो हाथ जोड़ते हैं पैरी हत्ता भी लाएंगे भी हाँ जी करांगे, पर हो कुछ भी नहीं रहा। सरकार सरकार सिर्फ अपने वास्ते है आम जनता वास्ते नहीं है। जे आप MLA साहब की गल करिए MLA साहब कहते मैं भी काम कर दी कुड़ियां इन्ना ची बिचरिया की उन्होंने को यह गल हुई उन्होंने को हो रही है जा भी रही है साड़ी गल्लां लिख के असीं चिट्ठी भी दे रहे भी चलो गल होवे। जे वो इस माहौल चो गए ने तो फिर साड़ी गल भी तो समझना, वह भी तो लेडीज़ ने वह भी तो लेडीज़ की प्रॉब्लम समझाना कि लेडीज़ कितना चिर किस तो पानी भर के लैके आएंगे कितना औखा रहा। तुम आप देखो पानी बिना गर्मी एक मिनट भी नहीं सरदा निके निके बच्चे ने असं तो खुद दुखी हो रहे हैं। देख सकते हो तुम तस्वीरों के एक छोटे बच्चे ने एक बाल्टी फड़ी है इसने भी अपना रोस प्रदर्शन कर रही है क्योंकि एक महीने तो उत्ते पानी नहीं आया घर के मुश्किलों की दिक्कत किन्नी होंगी है आप खुद समझते हैं। तो कुछ तस्वीर बोलते सर ना कुछ इतने होर महला निवासी मौजूद ने की नाम जी मेरा जी अवतार सिंह तारा जी की कहना चाहोगे अवतार सिंह। देखो जी जी साड़ी मामा भैन की समस्या की जी रोज़मर्रा की जिंदगी दे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत आ उत्थे देखा जाता भी जो साढ़े उरों के MLA ने नरेंद्र कौर भरा जी उन्होंने मंग पत्र भी दिता जी साड़ी पानी वाली टैंकी हैगी उत्थे भी बुलाया सीगा सानू पब्लिक अज तो घट्टो घट साल होने वाला हो गया जी वो गल्लां भी तो उन्होंने कहा थी भी साढ़े पानी का समस्या एक लाइटा की एक अपना सफाई की यह हल किया जाए पर जो सा पानी आ साड़िया मामा भैनों तुम यकीन मानो जी इन्नी इन्नी दूर तो मतलब लेके आना पैदा पानी भर के और दूसरी गल अगला जिन्हें सबरसीबल लगे कि चिर पीन पीन भरा देंगे ने इन्हों के तुम हिसाब ला लो हूँ इन्हों के नया साडे लवे खड़े ने गए इन्हों अपने कोठे के उत्ते पानी दाल्टियां लैके चढ़ना पैंता है इन्नी दूरों दूर लिया लिया के जे आ खड़े ने उन्होंने पानी बिना बच्चे नहाते बिना स्कूल जाते हैं ते असी सरकार तो असी MLA साहब तो असी मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने असी उन्हों तो कोई जहाज नहीं मंगया कोई कोठी नहीं मंगी कोई होर चीज़ नहीं मंगी हैगी सिर्फ पानी ते आ जिहड़ी साडी मेन जरूरत हैगी सफाई की। ठीक है जी ये चीज़ मंगे ने हुण पानी बिना जदों साडे इत्थे घरां दे विच पानी दी बाल्टियां खालियां पईयां ने गियां तां असी जिहड़ा महकमा गा ये ठेका दित्ता जी एक शाहपुर जी कंपनी हैगी सीवरेज बोर्ड ने असी उहदे लवे कंप्लेटा करदे आ कदे आ जिहड़ी मोटर हैगी उह तां इक नाम दी मोटर आ नवें चार टूब लाए पे ने जी MLA नरेंद्र कौर भरा दे लवे जी उन्होंने उद्देश तो सने मंग पत्र भी दिता कि साढ़े नवा टूब लाया जाए साड़ी पानी की समस्या दूर की जाए पर साड़ी समस्या दूर करने की कोई नहीं मतलब सुन रहा है। हुण मजबूर ने पहला खबर भी बहुत लग चुकी पहला भी सोडे चैनल राही टीविया राही मतलब सरकार तक गल्ला गई ने पर उन्होंने कान से कोई जू नहीं सरकती है जी क्योंकि उन्होंने कोठिया के वधिया AC लगे हुए हैं वधिया सारा कुछ उन्होंने तो बैठे बिठाए मिलता जे बंदा महल्ले जिवें वोटों तो पहला आने होंगे ने ना जे जो वोटा पै जाने ने कोई MLA बन गया कोई मंत्री बन गया कोई लीडर बन गया उदू बाद क्यों नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने पता गया भी आह चीज़ असं वादा करके गए थी भी हल करावे पर हल सब तो हो ही नहीं फिर असं कि मूँह लैके जावे हूँ वोटा मंगण तो फिर उ गल है जी वोटा मंगण तो सारे आ जाते हैं वादे भी करते हैं असं थोड़िया समस्या का हल करा पर समस्या का हल नहीं होंगे हाँ आपदियाँ सारा कुछ जरूर बन जाता पर साडे अज दी समस्या ने गियाँ यही नहीं हल होंगी ये जी पानी की समस्या हूँ नहीं हैगी ये कह दिए भी हूँ की समस्या हूँ दी नहीं हैगी घट्टो घट ना ना करते पता नहीं साडा तो जी मेरी तो हूँ इन्नी 46-47 साल की उम्र तो मेरी होगी। ठीक है जी कमेटी मूहरे धरने लाने सीवरेज बोर्ड ने मंग पत्र देंगे इन्हों कर पर साड़ी पानी की समस्या इन्नी हैगी कि अजकल दी नहीं हैगी बहुत सालों की है जी 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 इस अवतार सिंह तारा जी जिन्हों का आखना है कि जी ये समस्या ये अज की नहीं हैगी सरकार आंदियां गईयां जांदियां रहियां पर जी इन्हां दी मुश्किल है उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है हुण वेखना होगा पंजाब सरकार जां प्रशासन इन्हां दीआं कदों मुश्किलां नूं दूर करदा। संगरूर तो रवि शर्मा नैक्सट पंजाब।